हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्यभट्ट कॉलेज के बारे में, जो कि है न्यू दिल्ली में। तो इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं कि इसकी क्या क्या रैंकिंग है, क्या क्या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी आर्यभट्ट कॉलेज में के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो देखने के बाद तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपके सभी कोई भी क्वेश्चंस अगर हो एजुकेशन रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो एक लिंक है जिससे आप डायरेक्टली मतलब मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुंच जाओगे और वहां पर मुझे फॉलो करके अपनी कोई भी कमेंट्स वगैरह या कोई भी क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि जो आर्यभट्ट जो कि कॉलेज है, तो वो कौन सा कॉलेज है, मतलब कि प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है? तो ये आपको पता होना चाहिए, एक प्राइवेट नहीं है कॉलेज, ये है गवर्नमेंट कॉलेज। दूसरा, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो एस्टेब्लिश हुआ था 1973 में, जो कि आचार्य देव जब हुआ था तो 1991 में हुआ था। तो ये मतलब कि बहुत ही पहले हो चुका है आर्यभट्ट कॉलेज एस्टेब्लिश। अगला, इसमें टोटल फैकल्टीज इसमें बहुत ही सारी है, जो कि 74। तो ये बहुत ही अच्छी एक फैकल्टी की हम बात कर सकते हैं। अगला, इसमें है टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट, तो टोटल कितने बच्चे एनरोल करते हैं पर ईयर के हिसाब से अगर हम देखें तो वो करते हैं 2210। अगला, इसमें कॉलेज के बारे में सब कुछ बता रखा है। हम इसके कुछ फीस वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि मैंने फीस से बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना। तो फीस की हम एक मतलब सिर्फ एवरेज फीस की बात करेंगे, हम मेन इनकी मतलब टोटल फीस के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर हम देखें तो टोटल फीस जो मतलब कि बी कॉम की बात है तो वो हम करेंगे, तो वो फीस है तो वो है 31.95 के। और वही अगर हम सीट्स देखें तो ज्यादा सीट्स नहीं है, पर फिर भी 57 सीट्स इसमें है आर्यभट्ट कॉलेज में बीकॉम के लिए। बीए के लिए भी यहाँ पे 57 सीट्स टोटल है और फीस जो है वो है 39.69 के। का मतलब होता है 1000, तो मतलब कि 39 लाख 69 थाउजेंड ये फीस है बीए की। अगला है बीकॉम ऑनर्स और फिर है बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। तो आप इसकी फीस अपनी आप से देख सकते हैं। अगला, इसका एडमिशन प्रोसेस जो पूरा बताया गया है। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला, इसमें प्लेसमेंट के बारे में, तो इसमें जो प्लेसमेंट जो मिल जाती है आपको मतलब कि आगे कॉलेज खत्म करने के बाद, तो वो आपको मिल सकती है 3,20,000 के अराउंड, जो कि एक एवरेज मतलब पैकेज इन्होंने बता रखा है। और वही ये जो आपके जो भी यूजी कोर्सेज होते हैं वो कितने साल तक के होते हैं टोटल, तो वो मोस्टली होते हैं 3 साल तक के। अगला है, यहाँ पे फैसिलिटीज जो आपको बहुत सारी प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो पहला हम देख लेते हैं, तो पहला यहाँ पर जो मेन है वो है कैंटीन, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत चीजें हैं यहाँ पे। कैंटीन भी और आपके कंप्यूटर सेंटर भी प्रोवाइड किया जाएगा। वही लाइब्रेरी तो मोस्टली डीयू के हर कॉलेज में होती ही है, या हम बोले तो सारे कॉलेजेस में होती है। अगला है हेल्थ केयर के बारे में भी और स्पोर्ट्स में भी आपको प्रोवाइड की जाएगा। अगला इसमें है, इसमें एलुमनाई की एसोसिएशन भी होगी और कैफेटेरिया भी अपना मतलब पूरा प्रोवाइड किया गया है इस कॉलेज के द्वारा। अगला, यहाँ पे लाइब्रेरी और जिम वगैरह भी प्रोवाइड होंगे, तो जिम की आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कॉलेज में जिम अपने आप ही प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स के रिव्यू भी बता रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि बच्चों ने बता रखे कि कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, एकेडमिक्स कैसी है, प्लेसमेंट कैसी है, वैल्यू फॉर मनी और कैंपस लाइफ। तो आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके आगे आप ये देख सकते हैं बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं अपने कॉलेज के बारे में, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और वहीं बच्चों ने आप देख सकते हैं व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ एडमिशन ऑफ बीए प्रोग्राम, तो आप इस पर क्वेश्चन करके आंसर्स भी दे रखे हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो पर्टिकुलर कॉलेज से तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरी इनकी वेबसाइट है आर्यभट्ट के लिए, तो आप इसको पूरे को भी देख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।